कांते तू है रब है, इशारे तेरी करती निगाह। हेलो गाइज, अगर आप भी इस तरीके का अपना स्टेटस बनाएंगे खुद का वैलेंटाइन डे स्पेशल, तो आपका स्टेटस बहुत ही कमाल लाजवाब होने वाला है। इस तरीके के स्टेटस को बनाने के लिए सारे मटेरियल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको ओपन कर लेना होगा काइनमास्टर एप्लीकेशन, तो आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा काइनमास्टर का। प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना होगा मिडिल वाले को। उसके बाद गाइस यहाँ से आपको मीडिया पे क्लिक करना होगा, और दोस्तों यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड इमेज को सिलेक्ट कर लेना होगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो दोस्तों आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है, ये आ चुका है। आपको इसे सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके से ले जाना होगा, और यहाँ पर ला के आपको कुछ इस तरीके से दोनों साइड में कर लेना है, ठीक है दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से नीचे आना है, यहाँ से आपको इसकी बिग्निटी को इनेबल कर देना होगा। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है। अब गाइज यहाँ से आपको अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोटो ले आना है, ठीक है गाइज, कुछ इस तरीके का। मान लीजिए दोस्तों इस तरीके का फ़ोटो ले आना है, जिसका बैकग्राउंड आपको रिमूव करके रख लेना होगा। उसके बाद दोस्तों नीचे आना, क्रॉपिंग पर क्लिक करना है। आप दोस्तों यहाँ से इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, तो शेप में जाके मैं ये वाला स्वाइप सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप इसे क्रॉप कर सकते हैं, और यहाँ से फैदर भी दे सकते हैं, तो आपको अपने हिसाब से ये कर लेना है। दोस्तों यहाँ से मैं छोटा बड़ा करके इसे थोड़ा क्रॉप भी करूँगा, तो दोस्तों यहाँ से मैं जाता हूँ क्रॉपिंग में, और यहाँ से मैं इसे क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है गाइज। तो आपको भी इस तरीके से कर लेना होगा, इससे आपकी वीडियो काफ़ी अच्छी बन के तैयार हो जाएगी, तो आपको ये ज़रूर कर लेना होगा। तो यहाँ से ये मैंने कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरीके से ले आके कहीं पर भी लगा देना है, जहाँ पर आप लगाना चाहें छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके। तो गाइस यहाँ से मैंने लगा दिया। उसके बाद अगर आपके फ़ोटो कलर अच्छे हैं तो ठीक है रहने दें, वरना दोस्तों यहाँ से आप एडजस्टमेंट में जाके कलर एडजस्टमेंट में इस तरीके से अच्छे भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो मैंने कर लिए हैं। उसके बाद शुरू में आना है, यहाँ से आपको लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको एक और PNG को ऐड कर लेना होगा, जिसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर यहाँ से इसे ऐड कर सकते हैं, मैं देख लेता हूँ कौन सी PNG है, ठीक है। यहाँ से आपको बहुत सारी PNG का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको इसे ऐड कर लेना है, और दोस्तों लगा के अपने स्टेटस को काफ़ी अच्छा बना लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ से मैं उसे ऐड कर लूँगा, ये वाली PNG आ गई है। इस PNG को दोस्तों आपको इस तरीके से बड़ा करना होगा, यहाँ पर ला के थोड़ा और मैं बड़ा कर लेता हूँ, इस तरीके से बड़ा करके आपको यहाँ पर लगा देना होगा। दोस्तों यहाँ से मैं नीचे आता हूँ, यहाँ से ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना होगा, तो स्किन करते ही देख लीजिए दोस्तों कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, जिससे दोस्तों ऐसे आप तो यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक भी कर सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, इसके कलर से ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो दोस्तों आपको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से नीचे आना होगा कलर एडजस्टमेंट में, इस वाले लेयर को आपको इस तरीके से बढ़ा देना है, तो कलर्स काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है गाइज। लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा, यहाँ से आपको एक और PNG को ऐड कर लेना होगा, उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों नीचे आना है, ब्लेंडिंग पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर देना होगा, और इसको स्क्रॉल करके आपको पूरी वीडियो में कर देना होगा। अब दोस्तों आप इसे जहाँ अच्छा हो आपकी वहाँ पे आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसे कहीं पे भी लगा देना है, आप कहीं जहाँ लगाना चाहें। तो गाइस यहाँ से मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना होगा, ओवरऑल एनिमेशन में जाने के बाद यहाँ से आपको रिंग सिलेक्ट कर लेना होगा, तो देख लीजिए दोस्तों कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, या फिर दोस्तों यहाँ से आप कुछ भी और रिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, देख लीजिए दोस्तों कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा जो देखने में काफ़ी बेस्ट लगेगा। तो दोस्तों आपको मैनेजरों में यही सिलेक्ट कर लेना है, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट रहेगा, ठीक है गाइज। तो आप इसे स्क्रॉल करके यहाँ पे भी लगा सकते हैं, तो दोस्तों मैं तो यहीं लगा लेता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों अब यहाँ से आपको कुछ ऐसा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा जो काफ़ी बेस्ट रहेगा, ठीक है गाइज। उसके बाद दोस्तों लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, मीडिया को सिलेक्ट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको एक और PNG को भी ऐड कर लेना है, इसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसे ऐड कर लिया है। अब गाइज यहाँ से आप इस तरीके से इसे फुल स्क्रीन कर सकते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद कैंची के बराबर वाले ऑप्शन में क्लिक करके ब्लेंडिंग पे क्लिक करके आपको इस तरीके से स्क्रीन कर देना होगा। तो देख लीजिए दोस्तों हमारी वीडियो में कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा, इसको स्क्रॉल करके आपको पूरी वीडियो में कर देना होगा, और यहाँ पर भी कर देना होगा, देख लीजिए दोस्तों कुछ ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको एक दो PNG को और ऐड कर लेना है। सारी PNG का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पैरेट वाली PNG को भी लगा सकते हैं हम, ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद स्क्रीन कर दिया है,
वो आपकी इच्छा है गाइज, आप लगाएं ना लगाएं, लेकिन आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे लगा देना है। पसंद आती है तो रहने दें, मुझे तो सही नहीं लग रही है तो मैं दोस्तों हटा देता हूँ। उस तरीके से गाइज यहाँ से हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इन्हें चाहते हैं सेव करना तो सेव करने से पहले दोस्तों आपको म्यूजिक भी लगाना होगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों सबसे शुरू में आपने बैकग्राउंड इसे सिलेक्ट किया था, इसको सिलेक्ट करना होगा, नीचे आना होगा, कल से एडजस्टमेंट में जाके इसका थोड़ा दोस्तों यहाँ से आपको इस तरीके से दोस्तों ये पहली वाली लाइन को कम कर देना होगा, इससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। देख लीजिए दोस्तों जो यहाँ पे जो बीएनजी थी, ये पहली पीएनजी वो अच्छी नहीं लग रही थी, अब देख लीजिए सारी अच्छी लग रही हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्टेटस को बना सकते हैं जो देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। उसके बाद गाइस यहाँ से आप अपनी गैलरी से कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो भी म्यूजिक पसंद है सिंपली आप यहाँ से लगा सकते हैं। देख लीजिए दोस्तों यहाँ से मैंने ये लगा दिया है फीलिंग वाला, तो आप भी इस तरीके से लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ से मैं इसे पीछे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। हमारे स्टेटस काफ़ी अच्छे बनकर तैयार हो गया है। अब इस स्टेटस को मैं एक बार आपको चला के दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा स्टेटस हमारे बनकर तैयार हो गया है। इस स्टेटस को सेव करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन में क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको रेजोल्यूशन 1080p और फ्रेम रेट 30 सेकंड के बाद वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर देना होगा। कुछ सेकंड में ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपको सारे मटेरियल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में यानी कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बिल्कुल फ्री। बाकी दोस्तों वीडियो बनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके स्टेटस को बना के आपको सेंड कर देंगे बिल्कुल फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।